यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जींद दौरे पर कई सौगातें दी। उन्होंने जींद जिले के अलावा गांव के करीबन 3 करोड़ से बनने वाले बस स्टैंड का शिलान्यास भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पेगा गांव में 23 एकड़ में 20 करोड़ की लागत से बनने वाले चालक प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, उचाना से विधायक प्रेमलता भी मौजूद रही। उचाना हल्के के छात्र गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में ग्रुप डी की 38,000 नौकरियां दी जाएगी और साथ ही इनमें से खिलाड़ियों को 10% का कोटा दिया जाएगा। कुछ ही महीनों में 7,000 पुलिसकर्मियों की भी भर्ती की जाएगी जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे जींद से हमारे संवाददाता डीएस अलावत फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। डीएस अलावत, खबर को लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जींद के दौरे पर सीएम हैं और आज दूसरा दिन उनका है। जी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का दूसरा दिन है और आज सुबह 6 बजे से राहगीरी का जो प्रोग्राम था उसमें मुख्यमंत्री ने साइकिल से और पूरे प्रशासन के साथ राहगीरी प्रोग्राम में पहुंचे और रास्ते में जितने भी खेल थे और या जितने भी प्रतिभागी थे उनके सभी के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और खुद कबड्डी डाल के मुख्यमंत्री ने इसका आगाज किया और सबको खुश रहने का एक संदेश दिया। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री ने जो जींद जिला के 11 ऐसे बच्चे थे जो हरियाणा बोर्ड में अव्वल रहे हैं उनके साथ नाश्ता पानी किया है और उसके बाद अभी मुख्यमंत्री चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में कुछ आधारशिला रखेंगे कुछ परियोजनाओं की और दो का उद्घाटन भी करेंगे। डीएस अलावत, अगर कल की बात कर ली जाए, कल भी जींद के दौरे पर थे सीएम, तो कल इस दौरान क्या क्या सौगातें जींद के लोगों को मिली? जी, कल जो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था वो गांव छात्र में था और उसके बाद रोड शो था। गांव छात्र में लगभग मुख्यमंत्री ने 169 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जिसमें अलेवा का बस स्टैंड है, पानी की परियोजनाएं हैं और कुछ लिंक रोड हैं उसके साथ साथ। उसके बाद शाम के समय मुख्यमंत्री ने जींद में रोड शो किया जिसमें अपार समूह को देख के मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीएस अलावत तमाम जानकारी के लिए। तो 3 करोड़ में ये बस स्टैंड बनाया जाएगा। आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। चालक प्रशिक्षण केंद्र का ऐलान भी उनकी ओर से कर दिया गया है और जींद को सीएम की सौगातें लगातार मिल रही हैं।